अगला क्वेश्चन देखो, अभी फर्स्ट ईयर चल जाता है, अब सेकंड ईयर में आ जाओ। देखो एक क्लास में, एक क्लास में बीए सेकंड ईयर डालो, फर्क क्या पड़ेगा? नहीं, 76 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं? 76 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु, जिनकी औसत आयु 18 वर्ष 4 माह है, जिनकी औसत आयु 18 वर्ष 4 माह है, एक विद्यार्थी जिसकी आयु, एक विद्यार्थी जिसकी आयु 30 वर्ष, एक विद्यार्थी जिसकी आयु 30 वर्ष 4 माह है, 4 माह है, एक विद्यार्थी जिसकी आयु 30 वर्ष 4 माह है, वह अपना स्थानांतरण, ट्रांसफर बोलते हैं इंग्लिश में ना, स्थानांतरण करा लेता है, ट्रांसफर हो जाता है इस क्लास से दूसरी क्लास में चला जाता है, स्थानांतरण करा लेता है, तो बाकी लोगों का या बाकी विद्यार्थियों का, तो बाकी विद्यार्थियों का औसत आयु की लिखना, बाकी विद्यार्थियों की औसत आयु याद करो, कर भी इसका तो आंसर आने चाहिए। अब तो 3-4 को तरीके जैसे हुए, कितना आ रहा है? 17 सही। पार्ट में पहले पर फटे फटे बता दो, अब तुम फोन तक कभी काट के निकाल के बैठे हो तो बताओ कि फटे बताओ। हाँ 17 सही, हाँ फटे बताओ, एक आ रहा है देखो 25, कितना हो जाएगा 25 पर 4 तुम्हारा भी लेंगे, 25 बार 4 माह है ना बेटा, इसका आंसर है दूसरा, आप क्या बता रहे बेटा बताओ, 17 सही 21 बटा 25, क्या चीज लिखे, वर्ष लिखेंगे महीने,
तो 17 महीने हो जाएंगे, ध्यान रखो बात है। सत्रह बार 21/25 महीने, लिखते वर्ष। तो भाई एक आदमी गया है, अगर वो 18 वर्ष और 4 माह लेके जाता कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, पर कुछ ज्यादा ले गया। कितने ज्यादा ले गया? ज्यादा कितने ले गया? कितने ज्यादा ले गया है? मुंह तो बोलो, कितने? 12 वर्ष ज्यादा ले गया। कितने महीने ज्यादा ले गया? भाई 12 वर्ष पूरे ले गया दादा, तो 12 वर्ष को महीने बदलो। क्यों महीने बदलेंगे? क्योंकि लोग ज्यादा है, बचे कितने? 76 है, एक चला जाएगा मतलब वो तो चला गया, बचे कितने? 75। तो 75 लोगों को लेके जाएगा, तो 12 वर्ष को पहले जिनके आ रहा है 12 वर्ष उनको बदलो महीनों में। कितने महीने हो जाएंगे? 144। अब वो 144 महीने किससे लेके जाएगा? बाकी बचे हुए लोगों से। तो बाकी कितने लोग बचे भाई? 76 में से चला गया तो 75। अब 75 लोगों पे 144 बांट दो भाई, आंसर आ जाएगा। अब बहुत जल्दी आया हुआ है ना, जल्दी आंसर। इधर देखो ये कितने 76 स्टूडेंट हैं, औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष और 4 माह। ये व्यक्ति है जो अपना क्या कराएगा? ट्रांसफर। तो अभी ये व्यक्ति कितने का है अभी? 18 वर्ष 4 माह का। तो अभी कितने का है? लिख लो कितने का है अभी? 18 वर्ष और कितने का बेटा? ये 4 माह। पर लेकिन जब ये गया, जब ये यहाँ से क्या हुआ भाई, निकला तो कितने रुपए लेके भाग गया? 30 वर्ष, मतलब ज्यादा लेके गया है। कितने ज्यादा लेके गया है ये निकालेंगे, कितने ज्यादा लेके गया है? देखो तो ये कितने लेके आया, जब ये निकला तो कितने ले गया? ये ले गया 30 वर्ष और 4। तो भाई ज्यादा लेके आया तो घटा के पता चल जाएगा कितना लेके आया है। इधर घटाओ कितना बचेगा? 0 माह, और इसमें घटाई कितना जाएगा बेटा? 12 वर्ष। तो ये कितने ज्यादा लेके आया है? 12 वर्ष। जब ये जाएगा तो कितने लोग बचेंगे? 75। कितने बच गए? अब हमको क्या निकालना है? दो चीजें निकालनी है कि एक आदमी से कितने रुपए ज्यादा लेकर जाएगा। पहले समझो, लिखना नहीं ये बात को, अच्छे से क्वेश्चन है, सब एसएससी बेस के आए हुए सीरियल पे। अब एक आदमी जाएगा तो कितने कम हो जाएगा औसत, बस ये पता चले आंसर आ जाएगा। तो देखो ये जो जब गया तो कितने वर्ष ज्यादा लेकर आया है? 12 वर्ष। अब आप बताओ 12 वर्ष को 75 लोगों में बांट लोगे? बहुत मुश्किल है। तो 12 वर्ष को पहले किसे बदल लें? महीनों में। तो इन 12 वर्ष को एक महीने में कितनी वर्ष होती है? अरे भाई एक साल में 12 होती है, 12 से बड़ा कर लेंगे तो कितने महीने हो गए? 144 महीने। तो ये कितने दिन गया भाई? ये लेके गया है 144 महीने। क्या 144 महीने एक ही आदमी से लेके गया है? औसत पढ़ रहा है, औसत का मतलब क्या है? बराबर और ईमानदारी, मतलब कि कटेगा तो क्या कटेगा, सभी में कटेगा। तो भाई कितने लोगों में कटेगा? 76 में नहीं, वो तो भाग गया। कितने बचे? 75। अब जिन्होंने काटा है वो अपना काटो, कैसे कैसे काटा था, जितना जितना आंसर आ जाएगा काट पा रहा है तो काटो। देखो क्या 3 से कट जाएगा? ऐसे नहीं हिलाना, खूब पढ़ाया, 4, 4, 8 और 1, 9। 3 से कट जाएगा, 7 और 5, 12, 3 से कट जाएगा। तो अगर हम लोग 3 से काटें तो कितना हो जाएगा भाई? 3 4 12, कितना बचा? 2, कितना हो गया? 24। 3 8 24, इसको काटो कितना जाएगा? 25। तो ये हो गया 48/25। अगर हम इसको और सही तरीके से लिखना चाहें तो अगर 25 से भाग करें, चलो अब बताओ एक व्यक्ति से कितना कम हो रहा है? एक व्यक्ति से कितना कम हो रहा है?
48 बटे 25 महीने एक व्यक्ति से कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 48 बटे 25 महीने एक व्यक्ति से कम हो रहा है। व्यक्ति है कितने का, 18 वर्ष और 4 महीने, कितने का है, 18 वर्ष और 4 महीने। ये क्या चीज है, तो महीनों में से घटाओ कि साल में से, और बढ़िया ये महीने हैं तो इनको साल में से घटाओ कि महीनों में से, अरे भैया महीने हैं तो कितने से घटाएंगे, महीनों में से। तो पहले समझना है, फिर से देखो समझो, कितने लेके आया जाता है, 144 महीने, 144 महीने कितने लोगों से लेके आया, 75 से, काटा पीटी की कितना आ गया, 48 बटे 25 महीने। अब ये क्या हो जाएंगे, इतने ही व्यक्ति, एक व्यक्ति इतना क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, कम। तो हम कह पहले कितने था, पहले था ये 18 वर्ष और 4 माह, पर अब कितना कम कर देंगे, माइनस कर दो कितना, 48 बटे 25 माह। ध्यान रखना है वर्ष में से नहीं घटाएंगे, किस में से घटाएंगे, महीने। अगर ये महीने कम होंगे और ये वाला ज्यादा होगा तब किस में घटाएंगे, तब वर्ष की बारी आएगी। देखो 25 दूनी कितने होते हैं, इसका मतलब ये दो महीने से भी क्या है, कम है, पहले समझना है। 25 दूनी कितने होते हैं, 50, इसका मतलब दो महीने से भी कम है, तो 4 महीने से आराम से घट सकता है, तो घटा लो भाई, 4 माइनस 48 बटे 25, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, इसी गुणा इससे 25 चौका 100, माइनस 48 और बटे कितना बेटा, कितना बचेगा जरा बताओ, 52 बटे 25, यही तो बचेगा, काटा पीटी बचा दो, 25 दूनी कितना शेष बचेगा, क्या लिखेंगे, दो सही, दो बटे क्या चीज, 25 क्या चीज, महीने, क्या लिखेंगे, दो सही, दो बटे 25 महीने। तो व्यक्ति बेचारा कितने का हो गया, अब ये रह गया 18 वर्ष, दो सही, दो बटे 25 महीने, ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा, 18 वर्ष, दो सही, दो बटे 25 महीने का ये बचा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बटे में नहीं जाओगे तो फिर कैसे घटाओगे ये बताओ, हाँ तो 52 बटे 25 हो जाएगा, वही तो बनना है, वही बन जाएगा, लौट फिर के यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ तक और क्या, यहाँ पर बेटा 12 वर्ष है और 75 लोगों को बांटने कितनी कितनी पड़ेंगे बताओ जरा, तो महीनों बदलेंगे पहले, फिर बांट के देखेंगे कितनी कितनी पड़ रही है, तो ये निकल के आया 48 बटे 25, 25 दूनी कितने होते हैं 50, मतलब दो महीने भी नहीं पड़ रहा है, दो महीने से कम पड़ रहा है, कितने कम पड़ रहा है हमको नहीं पता, हमको नहीं पर ये पता कितना, 48 बटे 25, ये महीने किस में से घटा लेंगे, 4 महीने में से घटा लेंगे, अगर दो महीना आता तो 4 में से 2 घटाते कितना बचता, 2 महीना, पर 2 नहीं देखो इसलिए आंसर 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए आंसर थोड़ा 2 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, 2 पूरे पूरे, ये 2 पूरे पूरे हो गए, मतलब 18 वर्ष 2 महीने और 2 बटे 25 महीने, मतलब दिन में कन्वर्ट करोगे 365 से गुणा करके तो फिर दिन में भी आ जाएगा, पर वो निकालने की जरूरत नहीं। घटा दिया कितना, 48 बटे 25, 25 चौका
सौ सौ माइनस अड़तालीस बटे पच्चीस, सौ कर लिया बावन बटे पच्चीस, पच्चीस से काटे बचे दूनी पचास, कितना सेट हो जाएगा दो बटे पच्चीस। आंसर क्या होगा अठारह वर्ष दो सही दो बटे पच्चीस में। दम पूरी तो मारो लाल पोस्टर नहीं करेंगे तुम, दम मारो चाहे कुछ करो। देखो भाई अगला क्वेश्चन, पैंतीस छात्र वाली एक, पैंतीस छात्रों वाली, पैंतीस छात्रों वाली एक कक्षा का औसत, पैंतीस छात्रों वाली एक कक्षा का औसत। भाई क्वेश्चन दोबारा नहीं होने के बाद ध्यान रखना, पैंतीस छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार सैतालीस सही एक बटा दो किलोग्राम है, सैतालीस सही एक बटा दो किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत, तो औसत एक बटा दो किलोग्राम बढ़ जाता है, तो औसत कितना बढ़ जाता है बेटा, एक बटा दो किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अध्यापक का भार जो बताता है सब लोग भी कॉपी करेंगे दिखाएंगे। सही बना दो है, कितना आंसर आ रहा है यार, तो ज्यादा
नहीं आ रहा है। चलो भाई इधर बताओ, ऐसे बताओ बात नहीं करना है। पहले 35 लोगों का एवरेज कितना था? अब टीचर आ गए तो कितना बढ़ गया? आधा बढ़ गया। तो टीचर जब आए तो कौन सी लाइन होगी? आधा बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 47 रुपए में आधा रुपए और बढ़ जाएगा, कितने हो जाएंगे? 48। तो टीचर 48 वाली लाइन में आ गया, 48 के तो हैं। बाकी 35 लोगों का जो आधा आधा बढ़ाया वो किसने बढ़ाया है? टीचर ने अपनी जेब से बढ़ाया है। समझो या ना समझो? तो एक व्यक्ति का कितना बढ़ाया है? आधा। तो 35 का कितना हो गया? अब बस तुम मेरी तरफ पाओगे है ना। एक व्यक्ति को 50 पैसे दें तो 34 व्यक्तियों कितने रुपए हो जाएंगे? 34 को 17 हो जाएंगे, पर 35 को 17.5, तो 48 में 17.5 जोड़ देगा उसी दिन आ जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की है नहीं, बाकी यही बताएंगे। देखो आप लिख के भी वही बताते हैं ना, वो बात अलग है। तो हमें फॉलो कर नहीं रहे हो, हमारे हिसाब से नहीं लिख रहे हो, वो आपका मैंने लिखो या मैंने लिखो। अभी देखो ये 35 है, इसमें भी टीचर नहीं है। तो जैसे ही टीचर आते हैं एवरेज क्या हो जाता है? आधा बढ़ जाता है। तो जैसे लिखते बेटा वैसे ही लिखना होता है, आधा बढ़ जाता है मतलब 1/2 क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आधा ये है, आधा ये कितना हो जाएगा? 1/47 और 1/48। तो जैसे ही आया तो नया एवरेज क्या हो गया? 48। तो आप देख रहे हो यहाँ तक कितने लोग हैं? 35। अब ये जो नई वाली लाइन है ये कौन आ गया? ये आ गए अध्यापक। तो आप बताओ अभी एवरेज के हिसाब से अध्यापक कितने वर्ष के, मतलब कितने? 48। ठीक, चलो 48 तो ये हो गए कौन से? अपने हिस्से वाले। पर इन्होंने बाकी लोगों का भी कितने कितने बढ़ाए हैं? आधे आधे। कितने लोगों के? 35 लोगों के। तो भाई इनकी जेब से पैसे गए हैं, 35 × 1/2 लिख लेते भाई, ऐसे लिख लेते। अगर यहाँ से हम देखो, देखिए 48 + 35/2, 2 से जरा काटो इसको, 2 ही कम, कितना बचा? 1। कितने हो गए? 15 हो सकते। कितना बचा? 1। तो इस वाले को हम कितने क्या लिख सकते हैं? 17 सही, 1/2। और ये कितना बेटा? 48। यहाँ पर देखो 17 पूरा पूरा है और कौन पूरा है? 48। इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा? 65। और कौन बचा? आधा। आधे को ऐसे लिख दो, आंसर कितना आ जाएगा? 65 सही, 1/2। बात ही नहीं करना है भाई। अरे आ गया सर, मैं आया है, चले जाओ सर, मैं आया तुम लोगों के भी आ गए, अभी नहीं आए कहाँ पर? ये सर भी नहीं आया ना, पता है यहाँ पर दिक्कत हुई। 35 को तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम, 2 कितना बचा? 1। कितना हो गया? 15। 2 × 7 = 14। कितना बचेगा? 1। तो 17 पूरा पूरा हो गया, जो शेष बचता है ऊपर लिखते हैं, किससे बात करें? 2 से ऐसे लिख दिया। अभी 17 रुपये तुम्हारे पास पूरे हो गए, 17.5 लिखा हुआ है ये, तो 17 रुपये पूरे हैं तुम्हारे पास, 48 ये जो कितने हो जाएंगे? 65। और आधा ये कितना हो जाएगा? 65 सही, 1/2 या 65 + 1/2। व्यक्तियों की औसत आयु, अगला कुछ लिखना है। 45 व्यक्तियों की औसत आयु,
एक बटा नौ 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है, कम हो जाती है जब जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। बताओ भाई, आपको बताया था अगर कोई ग्रुप है ये ध्यान दो और फिर उनका आंसर निकाल लेंगे। अगर ये कोई ग्रुप है इसमें से अगर 60 वाला व्यक्ति निकाल दिया और उसके स्थान पर अगर 60 वाला व्यक्ति बैठा दिया कोई फर्क पड़ेगा? औसत में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आप बताओ औसत कब घटेगा? अगर मैं 60 वाला निकालू और उसके स्थान पर कौन बैठा दू तो औसत क्या हो जाएगा मेरा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 60 वाला निकाला था, कितना वाला बैठा दिया? 40 वाला। अगर इसके स्थान पे मैं 80 वाला बैठा दूं फिर क्या हो जाएगा? फिर मेरा औसत बढ़ जाएगा। तो बताओ इस वाले में अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पर कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति हैं, ठीक। उनका औसत मान लो 60 था और मैंने 60 वाले को निकाला, उसके स्थान पे कौन को बैठा रहा? 80 वाले को। तो औसत मेरा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने रुपए ज्यादा है? तो 60 तो इसके हिस्से वाले औसत में शामिल होने वाले, ठीक। या फिर ऐसा कह कि जो 60 लेकर चला गया था उसी में 60 वाला आ गया। ज्यादा कितने हुए? 20। कितने लोगों पर जाएंगे? तो कितने कितने पड़ जाएंगे भाई? दो। औसत कितना बढ़ जाएगा? ठीक। अगर हम उल्टा आपसे कहें यहाँ पर हम लोग लेते कितना? 30। अब बताओ क्या होगा? औसत घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। कितना घट जाएगा? 30 घट जाएगा। 3 घट जाएगा भाई। भाई 30 कम है पर कितने लोगों पटेंगे? 10 पे तो कितने कितने पड़ेंगे? 3। औसत कितना घट जाएगा? 3 घट जाएगा। आपको देखो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। क्या 60 में से 30 कम हुआ है?
बात तो सुनो, तो इसके पास 30 रुपए कम है ना, तो ये जब अंदर जाएगा तो औसत घटा देगा ना। क्यों घटा देगा? क्योंकि इसके पास जितने रुपए कम है सबसे भीख मांगेगा, सब मिलके देंगे कि कोई एक देगा? मिलके देंगे तो एक पे कितना पड़ेगा? तो उनके तो कम हो जाएंगे, औसत तो भाई सब तो घट जाए। अब यहाँ पर कितने व्यक्ति है? 45। अब तुम क्या हुआ कि जब 60 वर्ष के स्थान पर, मतलब 60 वर्ष वाला इन्हें बाहर फेंका, अरे बात को जान लो, और कोई एक नया व्यक्ति बैठा रहा। अब नए व्यक्ति को जैसे ही बिठा ला, उसके बिठाने से औसत आयु क्या हो गई? 1/9 वर्ष कम हो गई। किनकी? 45 व्यक्ति। तो आप बताओ भाई, हमने कहा 45 व्यक्तियों की औसत आयु का मतलब कब कहेगा? औसत आयु इतनी कम होगी मतलब कब कहेगा? एक व्यक्ति की तो औसत वर्ष कितनी कम हो गई? 1/9 वर्ष। 9 से जरा बेटा काटना, कितना कम हो गई? 5 वर्ष कम हो गई। मतलब ये व्यक्ति कैसा होगा? छोटा होगा। कितना छोटा होगा? कुल मिला के देखो, सबका कुल मिला के देखो कितना छोटा होगा? 5 वर्ष। तो अगर 60 वाला है और 5 वर्ष कोई छोटा हो, 5 वर्ष छोटा, तो आप बताना कितने का होगा? तो इसकी आयु कितनी होगी? 55। खाली मौके चल रहा है, तुम्हारा जल्दी मिला पता नहीं कहाँ कर रहे हो भाई। एक व्यक्ति से 1/9 ले रहा है तो सबसे मिला कितना ले रहा है? 45 × 1/9 मतलब कितना ले रहा है? 5। तो भाई अगर 60 वाला गया तो उसके स्थान पे कितना छोटा आया है? 5 छोटा आया, तो कितना आया है? हमको तुमको 60 रुपए दे रहे थे पर 5 कम दिए, तो कितने दिए? 55 दिए ना, तो आगे कितना जाएगा? 55। जैसे समझाना है समझने की कोशिश करो, ज्यादा बढ़िया होगा, वरना बाद में तो समझ नहीं आता कब क्या करना। अब तुम पहले बता, तुम्हारी कॉपी लेके आते जरा जी, कल ले आएंगे ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो भाई, लिखो यदि, लिखो बेटा यदि, यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्ति, यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाते हैं, 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाते हैं तो आठ व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तीन वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करो। पोस्टर लिखने के बाद इधर देखना, करना किसी को नहीं करते, जिससे पूछे कि भाई बताए कितने व्यक्तियों ग्रुप में बेटा? 8 व्यक्ति।
एक कौन निकल रहा है 30 वाला और एक कौन निकल रहा है 34 वाला। टोटल जरा बताना कितना निकल रहा है, लिखना कुछ नहीं कर देखना, टोटल कितना निकल रहा है। अब इसके स्थान पर दो व्यक्ति ऐसे करके आ रहे हैं, अगर आप बताओ इन व्यक्तियों का वजन भी 64 होता तो क्या अपने ग्रुप पे औसत आयु को कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क अगर ये छोटे होते तो औसत आयु क्या हो जाती हमारी, घट जाती। अगर ये बड़े होंगे तो औसत आयु बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ गई, तीन बढ़ गई ना, तीन वर्ष बढ़ जाती है तो औसत आयु जो होती है वो क्या होती है किसी एक की, मतलब सबकी बराबर 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 तीन बढ़ जाती है, मतलब इसकी एक आदमी की तीन बड़ी होगी, दो की, सबकी बड़ी होगी तीन तीन, तो आठ की कितनी बढ़ जाएगी, मतलब ये दोनों व्यक्ति कितने भारी होंगे 24 ज्यादा, किससे, जो लोग यहाँ से गए। पहले प्रत्येक बात फिर समझना है, अगर 64 वाले गए और 64 तो पीछे खा देंगे और 64 वाले ही बैठते तो क्या कोई फर्क पड़ता औसत में, नहीं पड़ता, पर औसत क्या हुआ है बढ़ गया, इसका मतलब कैसे लोग आ गए हैं, भारी लोग, भारी लोग आकर बैठ गए, कितना बढ़ा दिया एक व्यक्ति का तीन, कितने व्यक्ति हैं तो कितना बढ़ गया टोटल 24, मतलब वो लोग जो दो आए हैं वो कितने भारी है 64 से, 64 से कितने ज्यादा हैं 24 ज्यादा हैं, तो आप बताओ 24 ज्यादा हैं तो कितने हो गए फिर, बोल दो मतलब दोनों मिला के कितने के हैं 88 के, दोनों मिला के कितने के बेटा 88 के, पर ये नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोनों की औसत आयु, तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया 88, कितने व्यक्ति हैं दो, इससे बात करेंगे दो से, कितना आ जाएगा, बाकी 64 का आधा कितना होता है 32, अरे 32 और 24 का आधा 12, 32 और 12 फिर भी 14 ज्यादा था, तो चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, बुला लगी ऐसे, क्या बात समझ नहीं आ रहा है, जाना है पर क्या हुआ है औसत हमारा तीन बढ़ गया है, एक व्यक्ति तीन बढ़ा तो आठ कितने बढ़ जाएंगे, आठ से यहाँ 36 है ना, कितना 36 की 24 बढ़ जाएंगे, तो 64 में 24 जोड़े कितना जाएंगे 88, औसत आयु पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो लास्ट में का पूछ रहा है, तो 88 तो उनका योग हो गया, अगली संख्या कितनी है दो, दो से काट दे कितना आ जाएगा 44। देखो एक नाव में, एक नाव में
55 किलोग्राम के एक नाव में 55 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे नाव में बैठे 12 व्यक्तियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार गया तो समझ में नहीं आ रही तो तुम कौन सी बात याद रहेगा। सबको पढ़ा गया है आर्टिकल 18 में क्या है बताओ। सब तो 17 में क्या है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 में क्या अंतर है। बीस में क्या है पहले बीस में बताओ। चलो एक ही जैसे लगते हैं जो और ध्यान से नहीं पड़ेगा उसको दोनों एक ही पता होंगे कि बीस में भी यही कानून में कुछ क्या अपराध के विरुद्ध कुछ दिया जा रहा है उसमें कुछ ऐसा ही है ना। पर सही से नहीं पढ़ोगे 23 और 24 बता रहा क्या अंतर है बताओ भाई। 23 और 24 में क्या अंतर है 23 बताओ तो थोड़ा क्लियर हो जाए हमारा भी। 23 और 24 में क्या अंतर है इसमें सिर्फ 14 साल के बच्चों के बारे में बताएगा नहीं बताएगा। आप तुमको अगर तुम्हें सही से पढ़ा दो एक ही लगेंगे। हाँ दे दो बताया है
चाचा क्लॉज है, पूरी बात पढ़नी है तभी क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ देखो पीसीएस में खास कर ऐसे देखो बहुत सारे लोगों को ये पढ़ने के तरीके होते हैं। बच्चे 26, 27, 28 सब एक ही जैसे लगते हैं, सब धर्म के बारे में है ना। तो सबको अगर तुमने सही से नहीं पढ़ाया तो 25, 26, 27, 28 तुम्हें सब एक ही जैसे लगते धर्म की स्वतंत्रता। आप देख देख के बताया गया है। चलो तुम बताओ 29 और 30 में क्या अंतर है। 29 और 30 सही करो। चलो तुमने पढ़ाया ना राज्य की परिभाषा दो आर्टिकलों में बताई गई है। अब आप बताओ कौन कौन से। एक आर्टिकल 12 में क्या होता है, आर्टिकल 12 में क्या होता है, क्या राज्य की परिभाषा क्या राज्य की परिभाषा ही बोलते हैं उसको है ना, सभी आते हैं। आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा ही बताई गई है, पढ़ना घर पे जाके। दोनों अंतर क्या है, थोड़ा बहुत अंतर है तो अंतर तो होगा तभी तो नाम नहीं है, वरना क्या तुम्हें क्या लग रहा है। हाँ खा के थोड़ी बैठे थे कि बात जो मेरे लपेट दे जाए। फिलहाल आंसर बताओ कितना आ रहा है, 59 ही आता होगा है ना। कितने व्यक्ति हैं इस ग्रुप में, 12। तो 12 व्यक्ति हैं, किसको निकाला है, 55 वाले को निकाला है कि और क्या क्या इसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति बिठा रहा है। इसके बिठाने से क्या हो गया, औसत में क्या हुआ, औसत भार घट गया कि बढ़ गया, तो मतलब बढ़ा बढ़ा लिखा क्वेश्चन 1/3 बढ़ गया, मतलब एक व्यक्ति का 1/3 बढ़ा है तो 12 का बेटा कितना बढ़ जाएगा, तो 4 किलोग्राम क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब टोटल बाहर निकल के आएगा तो कितना बढ़ जाएगा, 4 किलोग्राम। मतलब नया व्यक्ति इस वाले से 4 क्या है ज्यादा है, जोड़ तो कितना आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 59 kg कितना आ जाएगा, 59 kg। तो भाई अब इधर ध्यान देना है, कुछ चीज समझना है, फिर क्वेश्चन करेंगे हम। इधर ध्यान दो भाई, इधर 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 देखो पीछे वाले लोग, इधर ध्यान दो, तुम लोग धीरे धीरे बुद्धू होते जा रहे हो, पता भी नहीं आता तुम्हारे होशियार कौन होता है, जिसको नई बात बताओ वो समझ जाए, पुरानी बात तो हंसी रटी है। भैया बच्चों कॉमर्स पढ़ाऊँ तुम्हें कभी ना पढ़ी, तो तुम्हारी समझ में आ जाए तब होशियार हुए ना भाई। तो तुमने पढ़ाया वो पढ़ाऊँ तो मैं भी समझ जाऊँगा भाई, तुमने पढ़ाया कोई कोई पढ़ाया तो समझ ही जाएंगे कोई नहीं। मान लो तुमको उर्दू पढ़ाया जाए वो समझ में आ जाए, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग तेज है। हाँ भाई तो कह रहे हैं भाई, बता रहे हैं कि तुम लोग पहले स्टार्टिंग में ठीक थे, अब धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हो, वो तुम जानते हो क्यों। अब देखो हमारे पास दो ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर ए का और ये ग्रुप नंबर कितना है, दो दे रहे हैं अभी तो बी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर है 10 लोग बेटा बात नहीं करना है, और यहाँ पर कितने हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो इनका औसत है वो कितना है, 60 रुपए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं। अब यहाँ पर क्या है, इनके पास कितने हैं, 40।
कौन से गरीब है? उनके पास क्या रुपए है? कम। इकाकर छोटा है, इकाकर कहता है। पर ये चाहते हैं कि साथ में यार क्या करेंगे, साथ में क्या करना चाहते हैं, दूसरी है ना, और साथ में घूमना चाहते हैं। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो औसत रेट कम ज्यादा होगा, ज्यादातर ज्यादा वाले बेचारे कम पे आएंगे और कम वाले ज्यादा पहुंचेंगे, है ना भाई, ऐसा ही होता है। ज्यादा वाले कहाँ जाएंगे? कम पे, और कम वाले कहाँ पहुंच जाएंगे? तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है ना, चावल मिलाएंगे कभी दालें मिलाएंगे, उनके रेट अलग अलग होंगे, क्वेश्चन आते हैं, समझ जाएंगे, बाकी सब समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 लोगों का कितना इनका 40, यहाँ पर 20 लोगों का कितना इनका 60। अब देखो जोड़ना आसान होता है एज कम्पेयर टू घटा देते हैं। हमने भी मान लिया इन सबका औसत कितना है 40, कितना है 40, कितना मान लिया हम लोग, कितना औसत, छोटा वाला हमेशा मान लेते हैं 40। पर आप बताओ यहाँ पर एक व्यक्ति 40 से कितना ज्यादा है भाई? 40 माना है, जरा यहाँ पर देखो हमने 40 माना, उसकी तरफ लिख देंगे हमने औसत कितना माना बेटा 40। तो आप बताओ यहाँ पर एक व्यक्ति कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, मतलब एक व्यक्ति पास कितने रुपए ज्यादा है भाई? 20। व्यक्ति है कितने? 20। तो टोटल रुपए कितने ज्यादा हो गए गुणा कर देंगे? 20 गुणा 20 कितने हो गए ज्यादा? 400। क्या लिखेंगे? अब ये लोग ग्रुप में शामिल हो गए 40-40 रुपए देके, तो बाकी रुपए कितने बच गए या फिर कितने ज्यादा है हमारे पास? 400 ज्यादा है। अब ये बताओ ये 400 ज्यादा क्या 10 में बटेंगे कि 20 में बटेंगे? जब मिले हैं तो ये 300 में बट जाएंगे। तो भाई बताओ एक व्यक्ति पे कितना पड़ेगा औसत का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर। और ईमानदारी देखो, ईमानदारी से बांट रहे हैं, जीरो से क्या काटा हम लोगों ने? 13 दिया, भले ही पता ना हो 13 दिया कितने होते हैं, 40 कितना बच जाएगा? 1 पॉइंट लगाया 0, 10 हो गया, फिर 3 और फिर 3, तो 13.33 क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा। तो औसत कितना मान के चले थे हम लोग? 40। तो 40 नहीं रहेगा, कितना ज्यादा हो जाएगा? कितना ज्यादा हो जाएगा? 13.33। तो वो कितना जाएगा? 53.33। कितना हो जाएगा? 53.33। बात को सही से समझना है, जैसे बता रहे ऐसे ही करना, रटना नहीं, भी गुणा जैसे करेंगे गुणा, जो आया गुणा करके दौड़ेंगे और फिर तीसरे भाग करेंगे बहुत ही लगेगी, ठीक। तो भाई देखो यहाँ पर कितने लोग हैं? 10 लोग का कितना औसत है? 40। यहाँ पर 20 लोग का कितना है? 60। औसत कौन सा मान लिया अभी के लिए हमने? छोटा वाला। कौन सा? 40। तो यहाँ पर एक व्यक्ति कितना ज्यादा है देखो? 20। तो 20 लोग कितने ज्यादा हो जाएंगे? 400। ये ज्यादा होगा तो भाई सब में बटेगा, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। और बराबर कितने लोग हैं? 30 लोग हैं, तो कितने बटेंगे 400 रुपए? 30 लोगों में टाटा पीटी करके कितने आ जाएंगे? 13.33 रुपए आ जाएंगे, और वो भी क्या निकल के आया है? ज्यादा। तो भाई 40 नहीं होगा, 40 से ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब क्या होता है? प्लस। छोड़ दें कितना आ जाएगा? 53.33। एक और क्वेश्चन आया थे, देखो ये 5 संख्याएं और ये हम लेनी है आपकी 7 संख्याएं। एक तरफ 5 संख्याएं, एक तरफ इतनी हमारी 7 संख्याएं, और हमने कह दिया इनका जो औसत है, इनका जो औसत हमने ले लिया वो ले लिया बेटा कितना है? 100। इनका औसत ले लिया हमने 100, और इधर 7 संख्याओं का औसत ले लिया हमने। इनका औसत कितना ले लिया हमने? कितना औसत ले लिया? 90। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ नया औसत क्या होगा। तो पहले हम किसको मान लेंगे नया औसत? 90 को, ठीक। हमने यहाँ पर 90 को क्या लिख लिया? औसत लिख लिया। तो यहाँ पर एक व्यक्ति कितना ज्यादा है कि कम है बताओ? ज्यादा है बेटा, कितना ज्यादा है? पर व्यक्ति है कितने? तो 50 ज्यादा हो जाएगा। अब ये 50 कितने लोगों में बटेगा? 5 और 7, ये तो बटेगा, 2 के 5 काटो 5 और से काटो कितना 4, ये बेटा कितना आ जाएगा? 25 बटे 4 क्या थी? ज्यादा। और काटोगे 4 6
तो 6 सही 1/4 क्या थी बेटा ज्यादा। तो तुमने क्या माना था 90 पर 90 नहीं कितना ज्यादा है 6 सही 1/4 तो 90 में 6 जोड़ने कितने हो जाएंगे तो नया आंसर क्या होगा 96 सही 1/4 कर लोगे ऐसे क्वेश्चन दोनों उतार लो फिर क्वेश्चन बोलो क्या बात खराब है समझ हो गया क्या बोले कोई दिक्कत चाय मंगाई जाए आपने पानी भी दे देना चाय मंगवाई जो उतना बोला करो तो चल जाए है ना तुम बैठे क्या कर रहे हो आप डॉक्टर आ रहे थे ये मत बोलना बोला था ना कहा था अगला बेटा क्वेश्चन लिखना है देखो 30 संख्याओं का औसत मतलब तारो तेजी तौर पे खत्म कराना है कि कल तक अगर वहां से खत्म जो लोग नहीं आ रहे उन्हें पता चले तो खत्म हो गया अगले महीने में TI पढ़ाएंगे पूरा एक मंथ अक्टूबर में 28 तक पैट का एग्जाम है तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी पैट में 25 में से 25 तो बनी जाए तुम्हारे बने ना हमने हमारे तो बनी जाए राम तो वही बन जाते लाल तुम्हारे बने मुरादाबाद होगा सेंटर तो लोग चलेंगे है ना मोड़ा दागे से चलेंगे पर लिखो बेटा आप क्वेश्चन लिखो देखो 30 संख्याओं का औसत 40 है 30 संख्याओं का औसत 40 है देखो बेटा सही से 30 संख्याओं का औसत 40 है और 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है गलती मत कर देना 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है सभी संख्याओं का औसत कितना है ज्यादा बार बार सुनने का तो हमारा तीस संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है तो सभी संख्याओं का औसत कितना है करो अभी मुझे बताया था यही है क्वेश्चन का 40 40 का 30 है छोटा कौन सा होता है 30 एक ही फार्म
सौ कितना ज्यादा हो गया? कितने बांट दो? ये 30 है, इनका औसत कितना है? 40। और यहाँ पर 40 संख्या है बेटा, इनका औसत कितना है? कह रहा है सभी संख्याओं का औसत कितना है? तो ये तो क्वेश्चन है, कुछ और है? यही है। आप बताओ छोटा, देखो औसत का मतलब उसके ऊपर बार लिखा है, कितना भी होता है, ये संख्या है ये उसका औसत, ये संख्या है ये उसका औसत। अब कौन सा वाला मान लें? छोटा वाला 30 मान लें, मान लिया। चलो हम लोगों ने भी कितना औसत मान लिया अपना। अब आप बताओ ये वाला औसत जो है 30 से छोटा है कि 40 बड़ा है? बड़ा है। कितना बड़ा है? 10। अगर एक हम आपसे कहें कितना ज्यादा है, एक कितना ज्यादा बेटा? 10। अरे समझ में आ रहा है क्या है? 10 ज्यादा। पर आप बताओ यहाँ पर कितने लोग हैं? गुणा करोगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा? 300। क्या लिखोगे? 300 ज्यादा। अब आपने कितना माना था? 30। पर 30 नहीं होगा, कितना ज्यादा होगा? पर क्या ये 300 पूरा 300 जोड़ेंगे, सब में बटेगा? बटेगा, अभी बांटो। तो 300 जो ज्यादा है कितने लोगों में बटेगा बताओ? 340। 70 है। तुम अकेले खाने की बात कर रहे हो। काटो कितना आ जाएगा बेटा? 0 से 0 कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 चौक कितना बचा? 2। पॉइंट लगाया, 0 कितने हो गए? 20। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 हो गया, 60। 7 8 56। तो कितना ज्यादा होगा? लगभग 4.28 क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? 30 में जोड़ दो, ये आ जाएगा 34.28। हाँ तो हमने कहा क्या गलत था? हाँ तो बोला था, हमने कहा था, हमने कहा तुम बहुत पीछे जा रहे हो। देखो मेहनत भी ज्यादा करोगे जैसे तुम कर रहे हो, बड़ा बड़ा वाला और आंसर भी गलत है बेटा। समझा ये ज्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये मिलेगा नहीं। देखो किताबों में ऐसा नहीं मिलेगा, किताब कैसे मिलेगा? इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, जोड़ गुणा करके फिर बटे करो 70, फिर आएगा आंसर। वो नहीं करना है, इधर देखना है। तो संख्याएं दे रखी हैं, 30 संख्याओं का औसत कितना है? 40 का छोटा कौन सा है? 40 की 30। हम लोगों ने क्या मान लिया होता? पर देखा यार ये वाला तो 40 है, मतलब 30 से कितना ज्यादा है? और कितने आदमी हैं? तो एक आदमी 10 ज्यादा, 30 कितने ज्यादा गुणा कर लेंगे? 10 करो कितना? 300 ज्यादा। अब ये जो 300 ज्यादा है कोई अकेले खा जाए कि 30 और 40 दोनों मिला के 70 में 70 बटेगा? 0 से 0 बांटो, 7 चौक 28 बचा, समझ गए? 2 पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 20 7 2 14 बचे, 6 7 8 56। क्या निकल गया? ये ज्यादा। तो भाई 30 में ज्यादा कर देंगे, मतलब 30 प्लस 4.28 कितना आ जाएगा? 34.28। मतलब 30 और 4 प्लस का हो गया, जोड़ोगे नहीं ज्यादा है। भाग करना सीखना है, देखो दो संख्याओं का औसत 8 है, दो संख्याओं का औसत 8 है, दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, इन पांचों संख्याओं का औसत क्या है? दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है,
इन पांचों संख्याओं का औसत क्या है? इधर ज्यादा नहीं बोल पाएंगे भाई, आंसर करो फटाफट। करो बेटा कितना आंसर आ रहा है? इस पे सभी के साइन हो गए? नहीं हुए? क्या कितना आंसर आ रहा है? छः। अरे पांच आएगा, सीधे सीधे नहीं आ रहा है। देखो दो का कितना है? आठ। तीन का कितना है? तीन। छोटा वाला कौन सा है? बड़ा दो है। इधर ध्यान दो, देखो दो लिखेंगे, इनका औसत कितना बेटा? आठ। यहाँ पर क्या लिखेंगे? तीन संख्याएं, इनका औसत कितना है? बात नहीं करना, इधर ध्यान देना। छोटा वाला हमने क्या मान लिया भाई? हमने मान लिया ये वाला क्या है हमारा, पर ये वाला कितना ज्यादा है? पांच ज्यादा है। कितने व्यक्ति हैं? दो। ठीक, तो कितना ज्यादा हो गया? पांच दूनी दस। क्या लिखोगे? दस। ज्यादा। अब ये दस कितने लोगों में बटेगा? तो तीन और दो पांच से काटे, कितना आ जाएगा? दो क्या चीज, तो तीन में अगर दो ज्यादा कर दो कितना आ जाएगा बेटा? आंसर मौके उड़ा दोगे है ना? अरे उड़ा दोगे? अरे हाथ तो कह दिया करो, थोड़ा अच्छा लग जाए। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक खिलाड़ी के एक खिलाड़ी में 12 पारियों का औसत 44.5 रन है तथा आगामी 16 पारियों का औसत 64.5 रन है, तो सभी पारियों का औसत ज्ञात करो। है
करो भाई फटाफट तेजी से। दिखाओ भाई कितना आ रहा है, बता नहीं पा रहा। 55.5 आ रहा है। घटाना बता दो सीख ही लो, है थोड़ी बहुत तो लाज रखी थी यार। तुम लोग तुम्हारे घर पे जो छोटे भाई बहन को कहते हो तुम्हें तो घटाना नहीं आ रहा, तुम कहाँ जा रहे हो? सही बात है, तुम्हें तो थोड़ा भाग ही नहीं आ रहा है। तुमने कहना कौन सा गलत है, वो कुछ पूछते हो तो तुम बात करते हो चल वो कुछ वो काम नहीं किया तो तुम पता नहीं है, तुम साइड से भगाओ उसे। देखो 12 पारियों का औसत कैसे इतना है भाई, कल के 12 पारियाँ इनका औसत कितना है बेटा 44.5। ठीक, उधर क्या लिखा है 16 पारियां, इनका औसत कितना है 64.5। जैसे आपको सिखाया वैसे करोगे तो तेजी से कर पाओगे, किताब के हिसाब से करोगे आंसर फिर भी आएगा, पर बड़ा बड़ा बहुत खाली करनी पड़ेगी। हमने देखा कि हम क्या मान लें, छोटे वाले को औसत मान लेंगे, तो ये वाला बताओ ज्यादा है कि कम है, इसको हम मान लिया औसत ज्यादा है, ये वाला बताओ कितना ज्यादा है। घटा के देखो तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2, कितना ज्यादा है? 20। पर व्यक्ति कितने हैं? 16। एक अगर 20 ज्यादा तो 16 कितने ज्यादा हो जाएंगे? चाव को गुणा कर लो, चाव गुणा ना करो तो बस ऐसे लिख लो 20 गुणे 20 16 गुणे 20, क्या लिख दो बस ज्यादा, जरूरी नहीं है गुणा करें। अरे अब आपको बताएं गुणा क्यों ना करें, अब ये जो ज्यादा है वो किस पे बटेगा, 12 लोगों पे, 18 लोगों पे कि 28 लोगों पे? 28 लोगों पे। तो ये जो बेटा 16 गुणा 20 ज्यादा है ये किस पे बट जाएगा, 28 लोगों पे। ऊपर गुणा में है और नीचे एक ही है तो संख्याएं कट सकती है, कट रही तो काटो, 4 चौक 4 सत्ते 20 चौक 80 बटे 4 80 बटे 4 और काटो 11.4। चलो पूरे पर पूरे काट दिया, 7 एकम 7 कितना बचा, 1 कितने हो गए 10, फिर 7 एकम 7 कितना बचा 3, कितना बचा भाई 3 हो गया 30, फिर 7 चौक 28,
कितना बचा? दो सात हो गया 20, सात दूनी तो कितना ज्यादा 11.42 क्या चीज बेटा ज्यादा किससे ज्यादा जो हमने छोटे वाले को औसत माना था तो आंसर कितना आ जाएगा 44.50 लिख लो इससे ज्यादा है ज्यादा का मतलब प्लस करेंगे 11.42 पॉइंट बराबर होने चाहिए धारक में इससे जीरो लगाया जाएगा दो आ जाएगा 4.59 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 55 तो सही आंसर बेटा क्या होगा 55.9 दो डिजिट लिखने की कोशिश किया करो एग्जाम में ज्यादातर दो डिजिट लिखने की कोशिश करते हैं अभी कहाँ टाइम हुआ है तो जाना तो चले जाओ बहुत हाँ आप चले जाओ अभी बहुत 15-20 मिनट लगे बस 84 वाले समझ आए भाई 84 वाले आपने कैसे भी किया है बस इतनी कर दिया हाँ बताओ अरे इधर समझ में आ रहा है सर नमस्ते सर में आ रहा तो आपको देख बता नहीं रहा की तो बेटा अगला क्वेश्चन लिखना है जो लोग बस वाले टेम्पू वाले को चले जाओ देखो एक खिलाड़ी की 10 पारियों का तुम तब तक जाने लगे भाई पकड़वा दी है अगला क्वेश्चन लिखो 10 पारियों का औसत 42.25 रन है 42.25 रन है तथा आगामी 10 पारियों का औसत आगामी 10 पारियों का औसत 64.5 रन है तो सभी पारियों का औसत याद करो हाँ 42.25 पॉइंट वहाँ संख्या बोली जाती है ध्यान रखना कभी भी बोलो आगे कहीं भी चले जाओ तो 42.25 नहीं बोले 42.256 जो भी होगा पकड़ लेते थोड़ी छोटी बात इधर कभी नहीं चले जाती कभी एस एस पी का इंटरव्यू देने जाओगे बी एस एफ के द्वारा सिलेक्शन हो गया उसके बाद तुम चाहते हो कि हम आगे पोस्ट के बड़े ए सी बने हैं ना तो इंटरव्यू होता है तो अगर तुम ऐसे खड़े हो तो पहली बार कर देना टिकट दे पाने के लिए मैं बता दें वहाँ पर पहले इधर घुस जाओ उसके बाद बढ़ते रहेंगे भाई आज बताओ देखिए जल्दी 42.25 सिंपल सिंपल क्वेश्चन है 64.5 घटा लेना अगला कर लेंगे कितना तो उस दिन वो सर आए थे पता उन्होंने क्या कहा था कोई तो मुझे नहीं लगा चश्मा लगाए तो कौन सा वाला 64.5 ये कौन सा पोस्ट हो गया देखिए
फलक आया कुछ घटा नहीं पा रहे लोगों के गुणा करने में इतने दिन लगा रहा भाई ऐसे कहते काम करते तो पीछे कोई है यही बिल्कुल सही आपके
उससे बहुत बड़ा हो जाएगा, तभी बताया था कि गुणा करके बस छोड़ दिया करो भाई, उसके बाद काट देंगे सीधे कट जाता है। मैथ में ऐसा ही करना होता है, गुणा करके आंसर नहीं लाना होता है। ऐसे आगे पढ़ेंगे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, वहाँ भी गुणा नहीं करते हैं, गुणा करके छोड़ देते हैं, बस गुणा में लिखते हैं, काट पीट के बराबर बराबर के आंसर तक पहुँच जाते हैं। किसी को कुछ पूछ रहा है तो पूछो क्वेश्चन में। टाइम नहीं हुआ है, अभी टाइम नहीं हुआ है। आप क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। अब एक जैसे हो गया घर से का किराने की बाजी। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, रनों का औसत 33 है, तदा अनुसार यदि पहले दस मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है, पहले यहाँ पर फिर हम बताएंगे उसके बहुत बहुत आता है। तो देखो इस बार क्या किया है उसने, टोटल पहले औसत दे रखा है फिर अलग अलग पूछ रहा है, उस बार उल्टा कर दिया है। अभी क्वेश्चनों को मिला रहे थे, इस बार तोड़ दिया है, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, टूटती है तो यूपीएससी वाले कुछ तो बता देंगे, लगता है नहीं तैयारी वारी कर रहे हैं तो हम बात पूछती थी भाई। जब कोई रिएक्शन टूट रही है दो पार्टों में तो उसे क्या बोलते हैं, हिंदी में बता तो जाएंगे तो बता दो दोनों सरकार में। जब कोई बड़ी क्रिया होगी वो टूट जाती है बिखर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, विखंडन है, विखंडन बता दो विखंडन। तो उससे पहले क्या कर रहे थे, हम दोनों को मिला रहे थे तो क्या बोलेंगे, संलयन भाई मिलाना। सूर्य में कहाँ से आती थी वो ऊष्मा, कहाँ से आती बताओ भाई, अरे भाई चलो एक कॉल से बता दे, ये बंद करना जल्दी टाइम हो गया फटाफट। ये अपना सूर्य है और इसका यहाँ का तापमान इस सरफेस का लगभग इतना है, इतनी ज्यादा ऊष्मा इसमें आती कहाँ से है। और आपको पता है अगर आप से वो सेंटर पहुंच जाओगे तो इसका जो तापमान है वो 1.5 से लेके 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इतनी भयंकर ऊष्मा आती कहां से, ऊष्मा आता है ये वाला कौन सी क्रिया होती है, नाम की है संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन इंग्लिश में है, हिंदी में क्या होते हैं, नाम की है संलयन, मतलब दोनों मिलके इकट्ठे हो जाते हैं, क्या होता है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाती है, हीलियम, और बहुत सारी ऊर्जा का उत्सर्जन कर दिए, ऐसे ही फिर आया हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी, खत्म हीलियम ज्यादा हो जाएगी फिर क्या होगा,
चलो तुम रहते तुम कितनी पढ़ा है चलो बेटा इसका आंसर कितना रहा है देखो इधर जा दो पहली 15 पारियों का औसत कितना है मतलब पहली नहीं सभी 15 पारियों का औसत कितना है 33 दोनों छात्रा है ध्यान दियो लिखने का देखो तरीका 15 ऐसे लिखेंगे 33 ऐसे लिखेंगे ऊपर बार लगाएंगे इसका मतलब ये औसत होगा ये क्या होगा हमारी पारी है शॉर्ट कट बताएगा वहां पर देखो अगर आपने ऐसे लिखा 15 पारियां एग्जाम में जाके तो बेटा कहीं ना कहीं 2 सेकंड तो लीजिए एक क्वेश्चन में 2 सेकंड 100 में 200 सेकंड 60 से भाग करके देखो 3 मिनट तुम्हारे बच सकते थे और 3 मिनट में कम से कम 6 क्वेश्चन हो सकते थे और 2 क्वेश्चनों से या तो आउट होते हैं या फिर इन होते हैं तो बचाना इतना बचा सकते हैं अब ये नहीं लिख रही थी तो 15 पारियों का औसत कितना है 33 स्टार्टिंग की 10 पारियों का कितना है 47 बची लास्ट की 5 इनका हमको निकालना है एक बार हमने तुम्हें कहानी सुनाई थी फिर से सुना रहे हैं कुछ लोगों को ले गए थे मजदूरी पे कुछ को रुपए कम दिए थे रोने लगे थे तो उसका मतलब दूसरों का पहुंच गए थे ज्यादा यहाँ भी पैसा ही होगा इधर ज्यादा होगा तो इधर क्या होंगे अभी कम यहाँ पर जरा बताओ ये तो स्टार्टिंग ही 10 है इनका 45 है कितना ज्यादा है उसका एक व्यक्ति का बेटा कितना ज्यादा है व्यक्ति कितने हैं तो कितना ज्यादा हो जाएगा 15 भाई 12 × 15 क्या होगा ज्यादा तो इन वालों का विचारों का उतना ही कम होगा भाई जितना इधर ज्यादा होगा उतना इधर क्या होगा कम तो आप यहाँ पर बताओ कि इधर कितने व्यक्ति हैं 5 और इनका कुछ क्या होगा भाई कम होगा हमको पता नहीं क्या कम होगा अगर हम लोग 5 से काटे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आएगा ठीक है और सर जैसे भाई एक आदमी का कितना ज्यादा है तो यहाँ पर मैं इधर देखो यहाँ पर बाहर है अरे जैसे बताने वैसे करना है यहाँ पर एक व्यक्ति कितना ज्यादा है भाई 12 तो 2 व्यक्ति कितने ज्यादा हो गए तो सॉरी व्यक्ति है कितने 10 तो ये इतने ज्यादा तो इधर 12 उतने क्या होंगे भाई अरे ये वाले उतने कम होंगे नहीं होंगे जितने रुपए इन पे ज्यादा है इतने रुपए इधर कम तो अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 24 कम क्या आ जाएगा बेटा 24 इधर वालों के पास कितने कम होंगे 24 कम किससे 33 से सभी का औसत कितना है फिर से सब लोग समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे को लग रहा है देखो यहाँ पर जितना ज्यादा हो एक व्यक्ति का कितना ज्यादा है 12 तो 10 का कितना ज्यादा होगा 12 × 10 जितना इधर ज्यादा होगा इधर कितने व्यक्ति बचे 5 तो जितना इनका ज्यादा होगा उतना इनका क्या होगा कम इनका हमको पता कोई थोड़ी कितना है भाई जितना इधर ज्यादा होगा उतना इधर क्या होगा कम किससे क्योंकि पूरों का मिला के कितना भाई तो इधर कितना ज्यादा है 12 × 10 ज्यादा तो इधर कितना कम होगा भाई 5 × और कुछ पता नहीं भाई तो कम होगा भाई तो क्या होगा कम होगा तो अगर हम यहाँ से देखो इसका मान निकालो तो 5 से काटो 5 × 2 और 12 × 2 तो इधर जो 5 व्यक्ति होंगे वो कितने कम होंगे एक व्यक्ति कितना कम होगा 24 कम होगा किससे तो 33 में से 24 घटा दो कितना अंतर आ जाएगा घटाओ कितना आ जाएगा 9 33 में से 13 में से 4 जाएगा कितना जाएगा 9 यहां का 2 में 2 घटा दो देगा जी तो इधर कितना अंतर आ जाएगा 9 ऐसे मौके करना है थोड़ा करके नहीं करना वो 30 हो जाता है अगर थोड़ा काट याद है तो भाई 12 × 10 ज्यादा तो इधर 5 बड़ा कुछ कम होगा 5 से काटेंगे कितना है भाई 2 और 12 × 2 24 कम किस में से 24 कम 33 में से घटाओ कितना आ जाएगा 5 कितना आ गया तो इधर 5 वालों का औसत कितना होगा सीधे लिखो घर से 2000 क्वेश्चन करके लाओगे घर से करके नहीं लाओगे
वो तो पता है, डाले कितने भी कुछ होता है।